अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी, जो कि बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होंगे। जैसे हम पहले बनाते थे उससे बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो उसके लिए मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब चने की दाल ले ली और उसको मैंने 3 से 4 घंटे भिगो दिया और आधे घंटे के लिए मैंने इसको बॉयल कर दिया। आप देख सकते हैं कि दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है। उसके बाद मैंने जो है तकरीबन 3 अदद प्याज ले ली और उनको ऐसे बड़े साइज़ में काट दिया, क्योंकि मैंने इसको चॉपर में चॉप कर देना है, ठीक है। तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें मैंने ले ली। इधर मैंने जो है चिकन बॉयल करके उसको रेशे बना लिए ऐसे, और इसको भी हम सारी चीज़ों को चॉपर में मिक्स कर देंगे। मैंने चने की दाल और चिकन को इकट्ठे बॉयल किया था, ठीक है। और उसमें मैंने जो है इसकी बाइंडिंग ताकि अच्छी हो जाए, उसमें मैंने 2 आलू भी बॉयल कर दिए थे। और इन सारी चीज़ों को अब मैं कर दूँगी चॉप, उसके बाद फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ, तब तक वेट करते हैं। तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं मैंने चॉप कर लिया है। मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी लिया है और तकरीबन 3 से 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स ले लिए, ठीक है, ब्रेड क्रम्स ले लिए। उसके बाद बाकी के इंग्रीडियंट शामिल करेंगे, 1/2 चम्मच जो है गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच जो है लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, क्योंकि इसमें हरी मिर्च ज़्यादा है, इस वजह से नमक डालेंगे उसमें जायका, और आलू धनिया डालेंगे, थोड़ा सा इसमें जाएगा धनिया पाउडर, और इन सारी चीज़ों को करते हुए मिक्स, आपकी मदद से इन सारी चीज़ों को करते हुए मिक्स। मिक्स करते इन सारी चीज़ों को जो है मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसको बिल्कुल ऐसे मिक्स करना है जैसे कि आप लोग आटा गूंथ रहे हो, बिल्कुल ऐसे, ताकि सारी मिक्सिंग हो जाए, नमक कहीं पर रहे ना, ठीक है। मसाले को मैंने जो है बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके बनाएंगे कबाब। कबाब की शेप मैंने आपको बनाना सिखा दी थी, तो मुझे उम्मीद है आपको आती होंगी शेप्स, ऐसे आपने इनको गोल करना है और आप किसी ऐसी जगह पर रख के भी इसको ऐसे कर सकते हैं। हर तरह से इसकी बाइंडिंग सही होनी चाहिए ऐसे। बाकी के तमाम कबाब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तमाम कबाब मैंने बना के तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसको फ्राई करके इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी।